रूस यूक्रेन की लड़ाई आम आदमी की प्रॉब्लम बढ़ाएगी। दरअसल इसके चलते दुनिया भर में ज्यादातर चीजों की कीमतें बढ़ने का अंदेशा है। क्रूड ऑयल, गेहूं सहित कई कमोडिटी की कीमतों में जबरदस्त तेजी दिख रही है। उधर अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। क्या इसका असर भी जरूरी चीजों की सप्लाई पर पड़ेगा? आइए आपको बताते हैं क्या है इन सब पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर और मशहूर इकोनॉमिस्ट रघुराम राजन की राय। क्या कीमतों में उछाल थोड़े समय के लिए है, लड़ाई खत्म होने पर कीमतें फिर से सामान्य हो जाएंगी? इस पर रघुराम राजन का कहना है कि दुनिया भर के देशों में पहले से ही महंगाई ज्यादा थी। अगर आप इसमें लड़ाई को जोड़ देते हैं तो महंगाई और बढ़ जाएगी और ग्रोथ घटेगी, दोनों मिलाकर इन्फ्लेशन पर असर डालेंगे। अमेरिका और यूरोप में ऐसी स्थिति दिख रही है, लड़ाई के चलते इन्फ्लेशन पर दबाव और बढ़ जाएगा। इस बात का रिस्क है कि इन्फ्लेशन के खिलाफ लड़ाई लंबी खींचेगी, ये अच्छी खबर नहीं है। इन्फ्लेशन लंबे समय तक हाई बना रहेगा। रूस पर प्रतिबंध अगर लंबे समय तक जारी रहता है तो इसका क्या असर पड़ेगा? इस पर रघुराम राजन ने कहा, मेरा मानना है कि सैंक्शन के गंभीर नतीजे होंगे। यूक्रेन पर रूस के अप्रत्याशित हमले ने पश्चिमी देशों को एकजुट किया है, उनके साथ जापान भी आ गया है। इससे दुनिया में मौजूदा व्यवस्था को चोट पहुंची है। पश्चिमी देश प्रतिबंध को सख्ती से लागू करना चाहते हैं, वे इसमें किसी तरह की कोताही नहीं चाहते। हाँ, इसका असर पड़ना तय है क्योंकि रूस एनर्जी सहित कई कमोडिटीज का बड़ा एक्सपोर्टर है, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी को सैंक्शन के चलते नुकसान हो सकता है। रूस निकेल, पैलेडियम, नियोन, फर्टिलाइजर्स और अनाज तक एक्सपोर्ट करता है। एनर्जी की ऊंची कीमतों को देखते हुए अभी दुनिया के सामने क्या विकल्प है? रघुराम राजन ने कहा, मेरा मानना है कि सप्लाई के दूसरे सोर्स के इस्तेमाल से इस नुकसान को कम किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए ऑयल के मामले में वेनेजुएला और ईरान से बातचीत चल रही है। ईरान से फिर से ऑयल की सप्लाई शुरू करने की कोशिश हो रही है। दूसरा, शेल एनर्जी में फिर से दिलचस्पी दिखेगी, इसलिए अगले कुछ महीनों में ऊंची कीमतों के चलते सप्लाई के दूसरे स्रोतों का इस्तेमाल शुरू होगा। उधर ऊंची कीमतों के चलते डिमांड में भी कमी आएगी। ग्लोबल इकोनॉमी के लिहाज से रूस का साइज बहुत मैटर नहीं करता है, लेकिन जरूरी चीजों की सप्लाई में उनका बड़ा रोल है। दुनिया अभी कार्बन एनर्जी पर बहुत ज्यादा निर्भर है, इसमें कमी लानी होगी। रिन्यूएबल एनर्जी पर फिर से फोकस बढ़ सकता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मनी कंट्रोल हिंदी।